हेलो बच्चों पॉडकास्ट की सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की पॉडकास्ट सीरीज का टॉपिक है हमारे पास पादव वृद्धि और विकास तो आराम से अपने कानों में अपने ईयरफोन्स को हेडफोन्स को या ईयरपॉड्स को डाल दीजिए और आसानी से आप इन मेरे पॉडकास्ट को सुनिएगा तो पादव वृद्धि और विकास में बच्चों सबसे पहले पादव वृद्धि की बात कर रखी है पादप वृद्धि या वृद्धि की परिभाषा आपको जानती है कि वृद्धि का मतलब होता है जब कोई भी पादप कोशिका है या पादप उत्तक है या कोई भी पादप भाग है जब वो संख्या में वृद्धि करता है या आयतन में वृद्धि करता है तो जब कोशिका की संख्या बढ़ती है या उसका आयतन बढ़ता है तो उसे वृद्धि कहते हैं लेकिन जब हम सजीवों की बात करते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वृद्धि की बात करते हैं तो उसमें उपापचय क्रियाएं शामिल होती हैं तो जब उपापचय क्रियाएं शामिल हो और उसके साथ साथ कोशिका की संख्या या कोशिका के आयतन में वृद्धि हो और यह वृद्धि अनुत्क्रमणीय या इन होगी यह पादप वृद्धि कहलाती है अब पादप की वृद्धि का कारण क्या होता है बच्चों पादप की वृद्धि का कारण होता है विभजोतक जो अलग अलग क्षेत्रों पर पाए जाते हैं शीर्षस्त विभ होते हैं जो तने और प्ररो पर पाए जाते हैं मूल शीर्ष पर पाए जाते हैं पार्श्व विभज्योतक होते हैं ठीक है और अंतर्वेशी या इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं तो अलग अलग तरह के विभज्योतक होते हैं जो पादप वृद्धि में काम करते हैं पादप वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है जब पादप की लंबाई बढ़ती है जब पादप लेंथ में बढ़ता है तो उसको हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं और जब पादपों की चौड़ाई बढ़ती है तो उसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं और क्योंकि पादप वृद्धि अनंत रूप से या जीवन पर्यंत चलती रहती है इसलिए इसको हम खुले प्रकार की वृद्धि या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं कई हिस्सों में इनको निर्धारित कर सकते हैं कहीं पर निर्धारित नहीं कर सकते तो और इनडिटर्मिनेट दोनों होती है फिर विभज्योतक हैं आप करते हैं प्राथमिक विभज्योतक जो होते हैं वो पादपों की प्राथमिक वृद्धि में काम करते हैं द्वितीयक विभ्योतक या पार्श्व पार्श्वजोतक जो होते हैं वो पादपों की चौड़ाई बढ़ाने में यानी द्वितीयक वृद्धि में काम करते हैं नेक्स्ट पादपों में वृद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं तो पादपों में वृद्धि का मापन कई तरीके के स... कई तरीकों से किया जा सकता है जैसे अगर हम एकल कोशिका की बात करें तो एकल कोशिका में कोशिके वृद्धि जो हम देखते हैं तो जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती है तो जीव द्रव्य की मात्रा एकल कोशिका में बढ़ती है उसको हम वृद्धि कहते हैं फिर आपके पास पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ता है वो वृद्धि के द्वारा माप सकते हैं पराग नलिका की बात करें तो पराग नलिका की लंबाई बढ़ती है वो वृद्धि है बीज की बात करें तो बीज में बीज का भार बढ़ता है तो यानी वेट बढ़ता है तो उसको हम वृद्धि के द्वारा माप सकते हैं तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप वृद्धि का मापन कर सकते हैं फिर है बच्चों वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या कारक है या कौन कौन सी चीजें हैं जो वृद्धि के लिए आवश्यक हैं तो चार प्रमुख चीजें हैं जो वृद्धि के लिए जरूरी होती हैं सबसे पहला होता है जल जल के कारण ही जल की प्रवेश के कारण ही कोशिकाएं स्फित होती हैं टर्जिड होती हैं और जल ही माध्यम एंजाइम्स के लिए माध्यम भी प्रदान करता है जल के बाद आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन श्वसन के लिए जरूरी होता है और श्वसन के कारण ही ऊर्जा बनती है तीसरा होता है पोषक तत्व पोषक तत्व है वो हो हो सकते हैं सकते हैं और ये सभी पोषक तत्व जीव द्रव्य के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं और चौथा होता है तापमान तापमान जो सही है है वो एंजाइम की क्रिया के लिए जरूरी होता है, और वो वृद्धि में भी काम करते हैं तो ये चार प्रमुख कारक हैं जो वृद्धि में काम करते हैं फिर आता है बच्चों वृद्धि दर आती है हमारे पास अब पादपों में दो प्रकार की वृद्धि दर होती है एक अंग गणी एरिथमेटिक और एक यानी ज्योमेट्री के एक्सपोनेंशियल अंग गणी की अरिथमेटिक विभाजन दर में आपको सिंपल सा रखना है कि बच्चों एक कोशिका विभाजन करके जब दो कोशिकाएं बनाती है तो दो कोशिकाओं में से एक ही कोशिका आगे चलकर विभाजन करती है तो दो में से जब एक ही कोशिका विभाजन करती है एकल कोशिका विभाजन को हम एरिटिक डिविजन कहते हैं इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन आपके पास आती है और इसकी इक्वेशन अगर आपको लेंथ के हिसाब से निकाले तो लेंथ समय पर बराबर होता है लेंथ ओरिजिनल प्लस आर आपके पास वृद्धि दर है ऐसी वृद्धि दर ये वाली वृद्धि तो ये, ये आता है बच्चों जिसका ग्राफ होता है सिग्मोइड इसमें आपके पास एक कोशिका विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है दो से चार बनती है चार से आठ बनती है आठ से सोलह सोलह से बत्तीस तो टू की पावर एन जो है एक्सपोनेंशियल वृद्धि दर होती है जिसका ग्राफ एस आकार का होता है जिसमें प्रारंभिक अवस्था लैग अवस्था होती है फिर मुख्य सबसे सर्वाधिक विभाजन वाली अवस्था जो होती है वृद्धि वाली अवस्था उसको लॉग एक्सपोनेंशियल कहते हैं और फिर स्थाई या स्टेशनरी हो जाती है जब आपके पास संसाधन या आपके पास पोषक तत्व सीमित हो जाते हैं इसकी इक्वेशन होती है बच्चों डब्ल्यू टी अगर हम बाहर से निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू टी बराबर डब्ल्यू ओ प्लस ई आर टी एक्सपोनशियल सीरीज फिर आपके पास होता है बच्चों की पादपों में ये वृद्धि के अलग अलग भाग कौन से होते हैं तो अलग अलग भाग अध्ययन करने के लिए हम मूल शीर्ष को लेते हैं क्योंकि मूल शीर्ष में वृद्धि सर्वाधिक होती है उसमें सबसे नीचे की ओर जो होता है टिप जो शीर्ष होता है उसपे हम विभज्योतक क्षेत्र होता है उसके ऊपर वाला दीर्घिरन का क्षेत्र होता है और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो परिपक्वन का क्षेत्र होता है जो सबसे नीचे जो है विभज्योतक है वहां पे सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी कोशिका भित्ति पतली होती है सुविकसित केंद्रक होता है कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है और प्लास्मोडेस्माटा के कनेक्शन पाए जाते हैं उसके ऊपर जो आता है वो दीर्घीकरण का क्षेत्र आता है दीर्घीकरण में रिक्तिका का निर्माण होता है और कोशिका का आकार बढ़ता है और सबसे ऊपर जो परिपक्वन क्षेत्र है वहां पर विभेदित कोशिकाएं है होती हैं जो विभाजन तो नहीं करती लेकिन निश्चित कार्य, दर्शाती और कार्य के आधार पर उनमें जीव द्रव्य और कोशिका के भी देखे जाते हैं निरपेक्ष जिसे हम कहते हैं रिलेटिव यानी निरपेक्ष वृद्धि दर को मापना बहुत आसान है क्योंकि जो उसमें मान लेते हैं पत्ती है जिसकी

फिर आपको ध्यान रखना बच्चों इस चैप्टर में पादव वृद्धि हॉर्मोन्स की बात कर रखी है अब वृद्धि हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो पादव वृद्धि हॉर्मोन्स में हमारे पास दो प्रकार के हॉर्मोन्स हैं जो वृद्धि को प्रेरित करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं वृद्धि प्रेरक और जो वृद्धि को संदमित करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं संदमक जब हम वृद्धि प्रेरक के रूप में काम करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑक्सीज आते हैं आते हैं साइटोकाइन आते हैं जब हम वृद्धि संदमक की बात करते हैं तो हमारे पास इथाइलिन आता है और एप्सिस अम्ल आता है इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों इथाइलिन हार्मोन जो है वो वृद्धि प्रेरक और संदमक दोनों के रूप में यूज हो सकता है अब जब हर पादप हार्मोन की आप बात कर रहे हैं तो हर पादप हार्मोन में तीन लक्षण आपको याद रखने हैं उनका इतिहास आपको ध्यान में रखना है उनके लक्षण आपको याद रखने हैं और कार्य की प्रभाव याद रखने हैं तो इसमें सबसे पहले पादप हार्मोन आता है ऑक्सीजन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन ही पादप हार्मोन ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजिन के इतिहास में आपको सबसे पहले आता है डार्विन और डार्विन थे वो कैनरी जो पादप था गैलरी ग्रास का पर प्रकाशनुवर्तन अध्ययन कर रहे थे लेकिन प्रकाशनुवर्तन का कारण ऑक्सिन है इसकी खोज का श्रेय ऑक्सिन की खोज का श्रेय वेंट को जाता है जिसने जई पादप जो है कोयलोपटाइल पादप जो है उसके प्रांकुर चोल कोयलोपटाइल पे प्रकाशनुवर्तन का अध्ययन करके ऑक्सिन की खोज हुई थी फिर ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जिसकी खोज मानव मूत्र से भी की गई है

और सिंथेटिक सिंथेटिकोर डी यानी टू फोर डाइक्टिक्लोरोक्स के उदाहरण है आईबीए जो होता है इंडियोल बुटेर एसिड वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का ऑक्सीजन फिर कार्य की प्रभाव की हम बात करें ऑक्सीज की तो का सबसे पहला काम आता है शीर्षस्त प्रभाविता में जिसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस शीर्षक कलिका जो होती है शीर्षस कलिका जो होती है वो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोक देती है तो अगर आप पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को करवाना चाहते हैं पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करना चाहते हैं तो हम शीर्षस कलिका को हटा देते हैं चाय के बागानों में और झाड़ के निर्माण में हेज मेकिंग में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है कि हम शीर्षस कलिका को हटा देते हैं ताकि पार्श्व कलिकाएं वृद्धि कर सके उसके अलावा बच्चों जो तना होता है तने में मूल उद्भवन करना हो तने के अंदर मूल उद्भवन करने में ऑक्सीजन काम करता है टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है जो कृत्रिम ऑक्सीन होता है टू फोर डी वो खरपतवार नौशी के रूप में काम करता है वीडी साइड के रूप में काम करता है जाइलम विभाजन में जाइलम विभेदन में ऑक्सीजन काम करता है नई पत्तियों को नए फलों को गिरने से रोकता है लेकिन पुरानी पत्तियों को और पके हुए फलों के जीर्णता को उसको विलगन को प्रेरित करने में काम करता है ये सब ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव है ऑक्सीजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट हॉर्मोन आता है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स की बात करें तो इतिहास में आपके पास कुरोसावा है एक कवक है जिसका नाम है जिबरेला है। वो कवक जो है वो चावल में बकाने या सीडलिंग बीमारी उत्पन्न करती है और ये जो बकाने रोग होता है ये आपके पास इसी से किसकी खोज हुई थी जिबलिन हॉर्मोन्स की अब जिबरलिन हॉर्मोन जो है उसके अगर हम लक्षण देखें तो सभी जिबरलिन हॉर्मोन अम्लीय एसिडिक होते हैं और उनका नाम होता है जीए वन जी टू जी थ्री से लेकर जीए हंड्रेड सबसे अधिक मात्रा में जो स्टडी किया गया जीए थ्री है जी हमारे पास अब जिबिन जो है वो सबसे मुख्य पादप वृद्धि हार्मोन होता है क्योंकि वो लंबाई बढ़ाता है तो तने दीर्घीकरण में स्टेम एलोंगेशन में सबसे मुख्य हार्मोन कौन काम करता है हमारे पास चिब्स काम करता है इसलिए जो हम बात करते हैं जो गन्ना है गन्ने में शक्कर जो होती है शुगर होती है सुक्रोज वो उसके तने में होती है तो गन्ने की उत्पादता बढ़ाने में कौन काम करता है जिबरलिंस आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई बढ़ाने में कौन काम करता है जिबरलिंस जो अंगूर के स्टॉक्स होते हैं ग्रेप स्टॉक्स उनकी लंबाई बढ़ाने में कौन काम करता है जिबरलिंस उसके अलावा जिबरलिंस जो है वो जो कॉनिफर पादप होते हैं बच्चों शंकुयुक्त पादप है जिम्नोसपम उनमें बीज परिपक्वन में तीव्रता लेकर आता है एल्कोहल निर्माण में ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है ब्रूइंग में प्रक्रिया को तेज करने में भी कौन काम करता है जिबरलिन काम करते हैं जिबरलिन जो है वो जीनता में हल्की सी देरी भी लेकर आते हैं फलों के आकार को बढ़ाने में फ्रूट साइज को बढ़ाने में किसका काम होता है जिबरलिंस का काम होता है बीज अंकुरन को प्रेरित करते हैं और बीज अंकुरन के दौरान एल्फा माइलेज की क्रिया को भी प्रेरित करते हैं तो ये सारे काम किसके हो गए जिबरलिन हार्मोन के हो गए जिबरलिन के बाद नेक्स्ट पादप हार्मोन आता है साइटोकाइनिन की खोज के श्रेय की अगर की बात करें तो और मिलर दो वैज्ञानिक थे जो तंबाकू पित्त संवर्धन पर अपने प्रयोग कर रहे थे उसके डीएनए सेन को पृथक किया था इसका मतलब रासायनिक रूप सेन से, से व्युपित पदार्थ होते हैं तो एडीनिन एक नाइट्रोजन शारक होता है जो डीएनए में पाया जाता है

तो जितने भी सक्रिय रूप से विभाजन वाले भाग होते हैं में संरचना का को, तो करता करता को बनाए रखना पत्तियों में पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करने में काम करता है इसका मतलब ये पत्तियों को ज्यादा समय तक युवा रखता है उनमें जीनता में देरी लेकर आता है उसके अलावा अपस्थानिक नई पार्श्व तना बनाना हो या अपस्थानिक तने का निर्माण करना हो तो उस सब में भी कौन काम करेगा साइटोकाइनिन उत्तक संवर्धन के दौरान पादप उत्तक संवर्धन में भी साइटोकाइनिन काम करता है और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात अंग जनन में काम करता है इसका मतलब अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है और साइटोकाइनिन की मात्रा कम है तो मूल का मूल उत्पत्ति होती है और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन कम है तो आपके पास तरा, तना तना यानी प्ररोग की उत्पत्ति होती है उसके अलावा शीर्ष प्रभाविता के विपरीत कौन काम करता है साइटोकाइन काम करता है तो ये तो मुख्य वृद्धि प्रेरक हॉर्मोन हो गए वृद्धि संदमक हॉर्मोन में हमारे पास सबसे मुख्य होता है एप्सिस अम्ल एपसिस अम्ल के इतिहास की बात करें तो इसको पुराना डोरमिन के, के नाम से जाना जाता था इनहिबिटर के नाम से जाना जाता था के नाम से जाना जाता था क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा रसायन रसायन था 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 जो जो वृद्धि को को संदमित करता था, कुछ ऐसा रसायन था जो बीच को प्रेरित करता कर प्रेरित पादप पादपों में प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब है जब वातावरण अनुकूलित नहीं है जब पानी की कमी है तो उस समय यह पादपों को सर्वाइव करने में मदद करता है तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जब पोषक तत्व कम है वातावरण अनुकूलित नहीं है तो वृद्धि को क्या करता है संदमित करता है जल की कमी हो जाती है तो जल की कमी होने पर रंध्रों को बंद करता है तो रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया एपसी कम्ल हो गया दूसरा जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तो बीज अंकुरन को रोकेगा और बीज प्रसूपता को प्रेरित करता है सीड डॉर्मेंसी को यानी इसके अधिकांश कार्य किसके विपरीत है जिबरलिंस के क्योंकि जिबरलिंस बीज अंकुरन को प्रेरित कर रहा था यह बीज प्रसूपता को प्रेरित करता है तो जिबल जो अम्ल है उसके अधिकांश कार्य जो है वो किसके विरोधी या किसके विपरीत होते हैं के विरोधी होते हैं एप्सिस अम्ल के एप्सिस अम्ल रासायनिक रूप से आपका करते हैं कैरोटिनोइड के से टूटने से बनता है फिर हमारे पास इथाइलिन हार्मोन आता है इथाइलिन हार्मोन वृद्धि प्रेरक के रूप में भी काम कर सकता है वृद्धि संदमक के रूप में भी काम कर सकता है और इतिहास की बात करें तो कॉजिन से वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि अगर आप पके हुए संतरों को कच्चे केलों के साथ रख दो तो एक वाष्पी हार्मोन निकलता है संतरों से जो केलों को भी पका देता है और इसमें हार्मोन कौन सा था इथाएलीन। तो इथाएलीन एक हॉर्मोन है या इकलौता गैशियस हॉर्मोन है या वाष्पीय हॉर्मोन से जो पादपों से निकलता है और जितनी भी पुरानी पत्तियां होती हैं जीनता दर्शाने वाली पत्तियां हैं या फे हुए फल हैं पकने वाले फल हैं पुराने फल जो हैं वो इथाइलीन उत्पन्न करते हैं इसका मतलब इसका प्रमुख काम जो है का वो फल परिपक्वन या फ्रूट राइपनिंग में होता है तो फल को पकाने वाला हार्मोन ही कौन सा है इथाइलिन है और ये इथाइलिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं अब इथाइलिन का एक व्यवसायिक एथोफोन नामक पदार्थ होता है जिसको हम व्यापक स्तर पर फ्रूट राइपनिंग में प्रयोग किया जाता है तो व्यापक स्तर पर फ्रूट राइपनिंग में इसको हम यूज करते हैं अब इथलिन बहुत सारे कार्य करता है बहुत सारे कार्य में आपको ध्यान में रखना है जो चावल होते हैं चावल के प्लांट जब परिपक्व होते हैं तो वो जल जलमग्न होते हैं और परिपक्व होकर सतह पर आ जाते हैं तो उसमें कौन काम करता है इथाइलिन काम करता है उसके अलावा जो कुकुम्बर है खीरा है उसमें मादा पुष्पन को कौन प्रेरित करता है इथाइलिन करता है कॉटन है वॉलनट है और चेरी है इनमें थिनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है मतलब पुरानी पत्तियों को गिराता है पुराने फलों को गिराता है ताकि नई पत्तियां और नए फला सके फिर आपके पास पाइनएप्पल और आम में पुष्पन को और पुष्पन के साथ साथ फल के निर्माण को समन्वित करके रखता है ठीक है फिर आपके पास मूल वृद्धि को प्रेरित करता है और मूल वृद्धि के साथ साथ मूल रोम की वृद्धि को भी प्रेरित करने वाला हार्मोन इथाइलीन होता है तो ये सभी कार्य इथाइलीन और ये सभी कार्य पादप हॉर्मोन के हैं इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है बच्चों एक टर्म आता है प्रत्यास्था है जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का मतलब है जब पादपों की बात करते हैं तो पादपों में विकास के दौरान विकास की अलग अलग अवस्थाओं के दौरान या पादपों के हैबिटेट आवास के कारण उनमें विकासशील अवस्था के दौरान या वातावरण के कारण उनकी पादप की संरचना में परिवर्तन आता है मतलब जलीय अवस्था है तो पादप की संरचना अलग होगी स्थलीय वातावरण है तो अलग होगी जब पादप तरुण अवस्था में है तो अलग संरचना होगी जब वो व्यस्त वयस्क हो जाएगा तो अलग संरचना होगी तो इसका मतलब विकास के दौरान पादपों की संरचना में भिन्नता आना वातावरण अलग अलग होने के कारण पादप की संरचना में भिन्नता आना इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं और इनमें हम मुख्य रूप से पत्तियों में के आकार में विषमता पढ़ते हैं और पत्तियों के आकार में विषमता पढ़ते हैं उसको हम हेट्रोफिली के नाम से जानते हैं इसमें आपके पास उदाहरण होता है एक धनिया कोरिया होता है लार्क्स पर होता है कॉटन होती है यह प्लास्टिसिटी में होता है फिर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों जो आप इस चैप्टर में आपको ध्यान में रखने विभेदन है विभेदन है पुनः विभेदन है तो आपको याद रखना है कोई भी कोशिका जब विभाजन दर्शाती है विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाएं उनको हम अविभेदित कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड इसका मतलब जब कोशिकाएं विभाजन करना छोड़ देती हैं और विभाजन करना छोड़ने के बाद एक निश्चित कार्य को ग्रहण कर लेती हैं, तो विभाजन को छोड़कर एक निश्चित कार्य को ग्रहण कर लेती है तो उसको विभेदन या डिफ्रेंशिएशन कहते हैं फिर आवश्यकता पड़ने पर चोट लगने पर घाव भरना होता है या आपके पास द्वितीय वृद्धि करनी होती है तो द्वितीय वृद्धि के दौरान या घाव भरने के दौरान विभेदित कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पुनः आ जाती है और जब उनमें विभाजन की क्षमता पुनः आ जाती है तो उसको हम वी विभेदन या डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं और विभेदन विभाजन करने के बाद जब वो वापस कार्य ग्रहण कर लेती हैं और विभाजन छोड़ देती हैं तो उसको पुनः विभेदन या रीडिफ्रेंसिएशन कहा जाता है बच्चों तो ये चैप्टर हमारे पास पादप वृद्धि का था बहुत बहुत धन्यवाद